अब बारी है बिहार की तीसरी सीट के विश्लेषण की, जो कि है दरभंगा सीट। और यहां से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा जताया। तो आरजेडी पहली बार यहां से यादव उम्मीदवार को मौका दे चुकी है। लालू की पार्टी यहां से हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी को ही तवज्जो देती आई है, लेकिन इस बार यादव कैंडिडेट पर भरोसा जताने का समीकरण क्या है, पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दरभंगा में चलेगा बीजेपी का ब्राह्मण फॉर्मूला? बीजेपी आरजेडी के बीच सीधी टक्कर। आरजेडी ने पहली बार यादव कैंडिडेट उतारा। दरभंगा लोकसभा सीट बिहार के मिथिलांचल इलाके में आती है। ये ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम बहुल्य लोकसभा सीट है। ये तीनों समाज के वोटर ही किसी भी दल के नेता की हार और जीत की किस्मत का फैसला करते हैं। दरभंगा लोकसभा सीट से अभी बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था। दरभंगा से बीजेपी ने फिर ब्राह्मण प्रत्याशी पर एतबार किया है और आरजेडी ने पहली बार यादव उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी ने दोबारा गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और 6 बार से विधायक ललित यादव को मैदान में उतारा है। इस सीट से पहले आरजेडी की ओर से मोहम्मद अली अशरफ फातमी को प्रत्याशी बनाया जाता था, उन्हें इस बार मधुबनी से टिकट दिया गया। बीच में फातमी आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन तब वहां उन्हें टिकट नहीं मिला और फिर आरजेडी में वापसी की। फिलहाल दरभंगा सीट पर मुख्य लड़ाई गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव के बीच बताई जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े थे। इसमें गोपाल जी ठाकुर को 5,86,668 वोट पाकर जीत हासिल हुई थी। वहीं दूसरे स्थान पर रहे सिद्दीकी के खाते में केवल 3,18,689 वोट आए थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर को 60% से ज्यादा तो सिद्दीकी को 33% वोट मिले। दरभंगा लोकसभा सीट पर 1991 से 2019 तक यादव ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, दूसरे स्थान पर मुस्लिम, तीसरे स्थान पर यादव। इसमें अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा जाति वर्ग की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। इस लोकसभा सीट से 8 बार ब्राह्मण सांसद बने। आरजेडी अपने मजबूत समीकरण माई के आधार पर यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को आजमाता रहा है। 6 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आरजेडी ने यादव को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब दरभंगा के रण में कौन कौन है, पार्टी ने किस पर भरोसा जताया? बीजेपी ने गोपाल जी ठाकुर, तो आरजेडी की तरफ से ललित यादव को मैदान में उतारा गया है। लेकिन 6 चुनाव के बाद पहली बार यादव को मौका, ये सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि यहां पर देखिए सबसे अधिक ब्राह्मण है, दूसरे स्थान पर यहां मुस्लिम है, तीसरे स्थान पर यादव है और इसके बाद बाकी जातियों का नंबर आता है। हालांकि यहां से 8 बार ब्राह्मण सांसद बने हैं और आरजेडी अपने मजबूत समीकरण के आधार पर MY, जो इनका समीकरण है MY, उसके आधार पर यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को आजमाती रही। 6 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आरजेडी ने यादव को यहां से मैदान में उतारा है। अब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति झा आजाद ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा। कीर्ति झा आजाद ने आरजेडी के दिग्गज नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 35,000 से अधिक वोटों से हराया था। कीर्ति आजाद को इस चुनाव में 3,14,949 वोट मिले थे और आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 2,79,906 वोट मिले थे। जेडीयू ने इस सीट से संजय कुमार झा को अपना उम्मीदवार बनाया था और संजय झा को यहां से 1,04,494 वोट मिले। 21,000 से अधिक लोगों ने यहां पर नोटा का, यानी कि नन ऑफ द अबव का वोट दबाया था, बटन दबाया था। 2014 में इस सीट पर 55.45% की वोटिंग रही थी, लेकिन दरभंगा लोकसभा सीट में ब्राह्मण, यादव
और मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ये तीनों ही चुनावी परिणाम पर असर डालते हैं। दरभंगा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 6 विधानसभा में से 3 बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 आरजेडी के पास नजर आता है।